जय श्री कृष्ण। हेलो, गुजरात न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर हिना ओझा, मुंबई से इंटरनेशनल एस्ट्रो फाउंडेशन वुमेन्स प्रेसिडेंट, कॉस्मिक एनर्जी सेंटर मेरा खुद का है। तो आज हम टैरोट कार्ड के ऊपर से ये वीक का भविष्य दिखाने जा रहे हैं। फर्स्ट हमें मेष राशि क्या कहती, तो फर्स्ट हम देखते हैं मेष राशि टैरोट कार्ड पे। मेष राशि, तो मेष राशि ये वीक के लिए बहुत ही अच्छा दिखा रहा है। ये वीक आप कुछ नया घर लेने के बारे में सोच रहे हो, नया घर, एक तो घर है आपका, दूसरा घर लेने के लिए सोच रहे हो। कहीं पे आप पैसे की लेती देती करें तो सोच समझ के पैसे की लेती देती करें। कहीं पे कोई आपको उल्लू बना के ना लेके जाए ज़्यादा पैसे, तो जो भी कार्य करें एग्रीमेंट के साथ कीजिए, तो उससे काफ़ी फायदा होगा आपके साथ। भगवान की एनर्जी काम कर रही है, गॉड गिफ्ट है आपको, तो इसलिए आप जो भी कार्य करें सोच समझ कर करिए। अभी जो भी फ्लैट लेना चाहते हो, जो भी मकान लेना चाहते हो, वो ईस्ट दिशा का हो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपको कहीं पे रुकावट आ रही है तो आपको क्या करना है, आपके घर की जो दहलीज होती है वहाँ पे मिट्टी का दिया लेके वहाँ पे एक कपूर और एक लौंग जलाइए, तो उससे काफ़ी फायदा हो जाएगा। और लकी नंबर है आपका 4 नंबर और लकी नंबर है 6 नंबर, तो लकी कलर रहेगा आपका रेड, मरूनिस कलर, ऑरेंज कलर और लाइट क्रीमिस कलर और ग्रीन कलर। अभी आ रही है वृषभ राशि, तो वृषभ राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। वृषभ राशि के लिए ये वीक थोड़ा अपने आप को सेटल करना है, आपको अपने आप को थोड़ा एडजस्टमेंट करना है लाइफ के अंदर। और थोड़े महीने आपके खराब गए और अभी अच्छे 2 महीने थोड़ा वो आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और अभी आपको बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है 6 महीने के अंदर, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लेना है, बहुत ही बड़ी है। थोड़ा कुछ आपको नॉर्थ ईस्ट दिशा का एक थोड़ा टूच का दिखा रही हूँ। नॉर्थ ईस्ट दिशा में आपको क्या करना है, हल्दी के गांठे रखने हैं, या तो आपके आपके साथ हल्दी के गांठे आपके पॉकेट में भी रख सकते हो, उसे भी या तो पॉकेट में रख सकते हो या तो खीसे में भी रख सकते हो, उसे काफ़ी फायदा होगा। और आपको क्या, आपके लकी नंबर है 5 नंबर, आपको क्या करना है कि हरा घास, गाय को घास खिलाना है, उसे काफ़ी फायदा हो जाएगा। और हो सके तो हरे घास में खुले पैरों तले, नंगे पैर तले चले तो उसे काफ़ी फायदा होगा। जहाँ पे आपकी रुकावट आ रही है तो वो रुकावट चली जाएगी। और थोड़ा आपको मून शाइन भी दिखा रहा है, तो आपको क्या करना है कि चंद्रदेव को शाम के टाइम पे दर्शन करना है, या तो आपको कच्चे दूध का अर्घ भी चढ़ा सकते हो, या तो आपके कुल देवी जो रहती है उनको आप प्रे कीजिए, उसका दर्शन भी कर सकते हो, तो आपका काम जहाँ पे रुका हुआ है वो अच्छा हो जाएगा और चलने लगेगा। लकी कलर आपका ग्रीन कलर है। अभी आ रही है मिथुन राशि, तो ये वीक के लिए मिथुन राशि क्या कहती है। मिथुन राशि के लिए ये वीक थोड़ा आपको नेगेटिव आ रहा है, जब आप सोने जाते हो तो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ज़्यादा क्या करूँ क्यों कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपकी लक्ष्मी बंधी योग हुए हैं, आपको खुद को भी ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भी काम नहीं कर सकता, कहीं से मुझे लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो थोड़ा बहुत कुछ आपको प्रॉब्लम आ रहा है। तो आपको क्या करना है कि अभी थोड़ा वीक आपके लिए थोड़ा कठिन और स्ट्रगल लाइफ दिखा रहा है, तो आप ये सारी स्ट्रगल लाइफ बंद कर दीजिए। आपको क्या करना है, घर के अंदर नमक के पोछे लगाने हैं, जब आप सोने जाते हो रात को तभी एक पानी का ग्लास लेना है, उसमें खड़ा नमक एक मुट्ठी भर के रख दो और आपके सिरहाने के नीचे रख दो वो पानी का ग्लास, और सुबह में उठते ही वो सारा आपके बॉडी के नेगेटिव एनर्जी खींच लेगा, और वो ग्लास आपको पानी सुबह में उठते ही बाहर रख देना है, चाहे वो पशु पक्षी के किसी को भी पीने में काम लग सकता है। और आपका बंधन योग दिखा रहा है लक्ष्मी का, तो आपको क्या करना है, आपके घर के अंदर जो भी भगवान है लक्ष्मी, साउथ ईस्ट दिशा में एक कपूर और एक लौंग लेके एंटी क्लॉक वाइज आप साउथ ईस्ट दिशा को वहाँ से एंटी क्लॉक वाइज करके वहाँ पे बंद मिट्टी के दिए में कपूर और लौंग बंद कर दीजिए, या तो 2 अगरबत्ती भी आप जला सकते हो। 2 अगरबत्ती जलाने से भी वो दिशा का शुभ शुभत्व आ जाएगा, जो बंधन लक्ष्मी का है वो तो वो निकल जाएगा। और आपका थोड़ा ये भी है तो ये भी आप संभल के निकल जाइए, और थोड़ा भी डिप्रेशन ना जाए तो उससे बेनिफिट होगा। लकी नंबर रहेगा आपका 9th नंबर और रेड कलर रहेगा। अभी आ रही है कर्क राशि, तो ये वीक के लिए कर्क राशि क्या कहती है। कर्क राशियों के लिए ये वीक बहुत ही अच्छा है। कुछ युवक युवतियों के शादी की बात चल रही है, बातचीत हो रही है, और कहीं पे शादी भी हो रही है। बहुत ही अच्छा लड़का मिलेगा, खानदान भी अच्छा रहेगा और बहुत ही नेक दिल के रहेंगे। आपको कुछ गुड्डीज भी मिलने वाले हैं, अपॉर्चुनिटी कुछ अपने आप आएगी और आप एक्सेप्ट कर लेंगे। जो अननोन व्यक्ति होगी, जो आपको पता भी नहीं होगा कहाँ से आई कहाँ चली गई,
और रानी की तरह राज करने वाले हो, राजा की तरह भी राज करने वाले हो। लकी नंबर रहेगा आपका 4 नंबर, लकी कलर रहेगा आपका ब्लैक कलर, येलो कलर और मरुनिस रेडिस कलर। अभी आ रही है सिंह राशि, तो ये वीक के लिए सिंह राशि क्या कहती है। सिंह राशियों के लिए ये वीक बहुत ही अच्छा है, आपको सिक्स सेंस बहुत ही अच्छी है कि कुछ भी होने वाला है तो आपको तुरंत ही पता चल जाता है कि ये होने वाला है और आपको इंट्यूशन आ जाता है। और कुछ 6 महीने में गुड न्यूज़ भी मिलने वाले हैं, तो बहुत ही अच्छा जा रहे हैं, गुड न्यूज़ मिलने वाला है। और आपको क्या करना है, आपके घर के अंदर जो कुल देवी है, जो भी आपकी इच्छा है, आपकी जो भी मन्नत है, अभी नवरात्रि चल रही है तो नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि चल रही है, आज 8 है तो गुप्त नवरात्रि के दिन भी आप मस्त माता जी को नैवेद्य धराए, खीर धराए, भोग लगाए, सुपड़ी लगाए, तो माता जी बहुत ही खुश हो जाती है। तो आप ये आपकी मनोकामना भी पूर्ण कर देगी, जहाँ भी आप अटके हुए तो वो कार्य भी हो जाएगा। लकी नंबर रहेगा आपका 8 नंबर, 2 नंबर और लकी कलर रहेगा मरून इजराइली कलर, ग्रीन कलर और येलो कलर। अभी आ रही है कन्या राशि, तो कन्या राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। कन्या राशियों के लिए ये वीक बहुत ही अच्छा है, कुछ गुड न्यूज आ रहा है, कुछ आप बहुत ही टैलेंटेड हो लेकिन आप अपनी टैलेंट को दिखाते नहीं हो, तो वो आपको टैलेंट दिखाने उससे काफी फायदा हो जाएगा। और आप बहुत ही प्रामाणिक हो, कोई भी कार्य करते हो तो सोच समझ कर कार्य करते हो, ऐसा नहीं है कि ये कार्य करूँ नहीं करूँ तो वो दिक्कत हो रही है। तो आप जहाँ भी जाते हो आपको मान सम्मान बहुत ही मिलता है, सबको लगता है कि आप बहुत करोड़पति हो, लेकिन इतने चाहे उतने पैसे आपके पास नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आप बहुत ही अच्छी तरह रहते हो, किसी को पता नहीं चलता है कि आप कौन हो, अपर राजा की तरह राज करने वाले हो। बहुत ही अच्छे दिन आ रहे हैं और आगे बढ़िए, बहुत ही आपका लकी नंबर 6 नंबर है, 9 नंबर है और लकी कलर रहेगा आपका येलो कलर और रेड कलर, रेडिश क्रीम कलर। अभी आ रही है तुला राशि, तो ये वीक के लिए तुला राशि क्या कहती है। तुला राशियों के लिए ये वीक बहुत ही अच्छा है, आप थोड़े उल्टे लटके हुए हो तो आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा किसी 2 जन की एडवाइस लेके आगे बढ़िए तो आपका काम हो जाएगा। क्योंकि अभी जो नया जनरेशन चल रहा है उसमें काफ़ी अलग अलग सब टेक्निक रहती है, तो उसमें आपको पता नहीं चलता है, कहीं पे आप नया घर लेने के लिए सोच रहे हो, मनी के बारे में टेंशन ले रहे हो, तो घर ले लो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अपने आप पे कुछ ना कुछ इंतज़ाम हो जाएगा। और आपके घर के अंदर से माउंटेन व्यू और गार्डन दिखे ऐसा घर लेना है तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके लिए शुभ रहेगा। आपके शत्रु भी काफ़ी है लेकिन शत्रुओं को भी पता नहीं चले कि आप उसके शत्रु हो के मित्र हो, उसके पास से आराम से काम निकाल लेना है और आपका काम सफल हो जाएगा। लकी नंबर है आपका 8 नंबर और लकी कलर रहेगा आपका येलो कलर और ऑरेंज कलर। अभी आ रही है वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। वृश्चिक राशियों के लिए ये वीक थोड़ा संभालना है, आप बहुत ही काबिलियत हो, बहुत ही होशियार हो, लेकिन जब आपको ज़रूरत है तभी आपको सब लोग उल्टे रास्ते पे एडवाइस दे रहे, उल्टे रास्ते पे जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सोच समझ कर आगे बढ़ना है, आपको किसी के एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं, आप खुद अपने आप पैरों पे खड़े हो, आप खुद आगे बढ़े, आपको क्या करना है आपको खुद को पता है। और आपको आपके मित्र जो है आपको उल्टे रास्ते पे लेके जाते हैं, चलो ड्रिंक करें, ये करें, स्मोकिंग करें, तो आप अपने वाइफ के साथ भी रिलेशन ख़राब करने की सोच रहे हैं, तो आप अपने आप मित्र से दूर कर लीजिए और आगे बढ़िए। और थोड़ा थोड़ा आपको लगता है तो आप अपने घर को और अपने आप को, अपने फैमिली को सेफ कर लीजिए तो काफ़ी फायदा होगा। तो आपको क्या करना है, साउथ वेस्ट दिशा में 2 अगरबत्ती रात को सोने के टाइम पे जलानी है और वहाँ पे थोड़ा से 11 गोमती चक्र और 11 कोड़ियाँ रखनी है, तो उससे काफ़ी फायदा हो जाएगा। लकी नंबर रहेगा आपका 8 नंबर और लकी कलर रहेगा ग्रीनिश कलर, ब्लैक कलर और लाइट येलो कलर। अभी आ रही है धनु राशि, तो धनु राशि ये भी के लिए क्या कहती है। धनु राशियों के लिए ये भी बहुत ही अच्छा है, राजा की तरह राज करने वालों, आपको मकान, फैक्ट्री, जो भी चाहे वो सब आपको मिला, आपकी मनोकामना परिपूर्ण हो रही है और राजा की तरह राज करो। आपने बहुत आगे स्ट्रगल किया, अभी आपकी स्ट्रगल लाइफ खत्म होने को आ रही है, खाली आप प्रामाणिकता रहिए, हो सके तो सबके साथ अच्छा व्यवहार किए और अच्छा रहे तो आगे बढ़ के आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। लकी नंबर रहेगा आपका 9 नंबर, लकी कलर रहेगा रेड और येलो कलर। अभी आ रही है मकर राशि, तो मकर राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। मकर राशियों के लिए ये वीक बहुत ही अच्छा है, पॉजिटिव थिंकिंग दिखा रहे हैं, पूरे दुनिया घूमने की आप सोच रहे हो तो पूरा वर्ल्ड घूमने वाले हो, सक्सेसफुल होने वाले हो,
जब आप सोने जाते हो तभी भगवान का नाम ले और उठते समय भी भगवान का नाम ले, उससे काफी फायदा होगा। आप बहुत ही आगे फास्ट बढ़ रहे हो, दुनिया को कुछ करके दिखाने वाले हो, तो आप आगे बढ़िए और दुनिया को दिखाइए कि मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। लकी नंबर रहेगा आपका 10 नंबर। लकी कलर रहेगा आपका ऑरेंज कलर, येलो कलर। अभी आ रही है कुंभ राशि, तो कुंभ राशि ये भी के लिए क्या कहती है, कुंभ राशियों के लिए ये भी बहुत ही अच्छा है। आप जस्टिफाई करिए अपने आप को और सबके साथ न्याय कीजिए कि क्या है कैसा है, और आगे बढ़िए। आप बहुत ही प्रामाणिकता हो, कोई भी किसी के साथ भी गलत ना हो वो भी सोचते हो आप। और आपने बहुत पहले स्ट्रगल लाइफ के, पहले आप अकेले रोते थे अपने में कैसे करूँ क्या करूँ, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, मार्ग नहीं मिल रहा था। अभी आपका रास्ता भी खुल गया है, आपको खुद को पता है कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है और कैसे काम करना है। तो बहुत ही अच्छे दिन आपके आ रहे हैं, स्ट्रगल लाइफ खत्म हो रही है, आगे बढ़िए। और लकी नंबर रहेगा आपका 11th नंबर, और लकी नंबर कलर रहेगा आपका रेड, ब्लैकिश रेड कलर, येलो कलर और लाइट क्रीम कलर। और कुछ ऐसा लगता है तो नॉर्थ वेस्ट दिशा में आपको क्या करना है कि तांबे के लोटे में जल भर के और एक अंदर एक मुट्ठी मग डाल के, 11 गोमती चक्र डाल के और 11 कोड़ी डाल के उसमें पानी भर दीजिए और ऊपर एक कोकोनट रख दीजिए, तो जो भी रुकावट आ रही है वो दूर चली जाएगी। अभी आ रही है मीन राशि, तो मीन राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। मीन राशियों के लिए भी ये वीक बहुत ही अच्छा है, वंश परंपरागत कार्ड दिखा रहा है। और आपका जो भी बिजनेस करे वो, जो भी आप एजुकेशन है तो सब आपके वंश परंपरा, जैसे आपके डैडी ने एमकॉम किया डॉक्टर बने तो आप भी डॉक्टर बनेंगे, वही बिजनेस में आप आगे बढ़ेंगे, ज्वेलरी की शॉप है तो ज्वेलरी करेंगे, तो ऐसे ही आप आगे बढ़ने वाले हो। बहुत ही अच्छा, पूरी दुनिया घूमने वाले हो और हो सके तो आपका फॉरेन का ट्रिप भी आ रहा है, एक के सपोर्ट से जाएंगे दूसरे दो सपोर्ट मिलने वाले हैं वहाँ पे, और कोई अननोन लेडीज आपकी दुनिया में आपको हेल्प करके चली जाएगी, जो वापस आएगी भी नहीं, पता भी नहीं कहाँ से आई कहाँ, जैसे माता जी का स्वरूप हो ऐसे भगवान हम बोलते हैं कि भगवान आते हैं कहाँ है हमको दिखते नहीं, लेकिन भगवान है, आते हैं और आपको हेल्प करके चले जाते हैं। जैसे आम जनता में होते हो तो पता भी नहीं चलता ये कौन है करके, आके हेल्प करके चले जाते हैं। लकी नंबर रहेगा आपका 2 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, और लकी कलर रहेगा आपका रेडिश ब्लैक कलर, क्रीम कलर और ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर। तो ये वीक के लिए हेलो गुजरात की ओर से बहुत बहुत ही शुभकामना, और माता जी आपकी सब मनोकामना परिपूर्ण करें। ऐसे ही गुजरात न्यूज़ चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर हिना ओझा मुंबई से, मेरा मोबाइल नंबर है 9820692303। थैंक यू वेरी मच।